सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इंडियन ट्विंस मम्मी को और इस बेल रिंग को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेनसडे और आप देख सकते हैं, दो मिनट, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो जो है आज अपलोड नहीं हुआ है, 96% हुआ है और 12 मिनट दिखा रहा है। और अभी दोपहर का बज रहा है 1:30 और मैं सुबह से लेके अभी तक मतलब वीडियो अपलोड ही कर रही हूँ और आज वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ है और इस वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जब आप इतनी अच्छी तरीके से एडिटिंग करते हो और अगर आपका इंटरनेट अगर काम नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट एनीवेज वीडियो अपलोड हो जाएगा तो हो जाएगा, मुझे लगता है 2 बजेंगे 3 बजेंगे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को एक तीसरी बार अपलोडिंग के लिए रख दिया है। पहले सुबह रख दिया था, फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन बंद हुआ, फिर उसके बाद रख दिया, फिर भी उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन बंद हुआ और तीसरी बार रखा है और अभी ये 96% पे है। आपको दिखाती हूँ, तो ये 96% पे है और मुझे पता नहीं अभी ये कितने बजे, अभी वो दिखाता है 12 मिनट, बट इतनी जल्दी नहीं अपलोड होता है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ अक्खा मसूर की सब्ज़ी। ये जो अक्खा मसूर की सब्ज़ी जो है वो मैं जिस साइड में रहती हूँ, कोल्हापुर साइड में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब्ज़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अक्खा मसूर बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 कप अक्खा मसूर। एक्चुअली मैंने इसको उबाल लिया है कुकर में, उसके बाद ये 2 प्याज, 1 टमाटर, धनिया, कड़ी पत्ता, हल्दी, ये है कोल्हापुरी मसाला, उसके बाद ये हींग और स्वामी श्री गणेश ने इसमें थोड़े से राई डाल दिए है और स्वादानुसार नमक, और उसके बाद मैं डालती हूँ मेरा फेवरेट एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, और उसके बाद ये है लहसुन और अदरक की पेस्ट। और चलिए अभी हम तड़का देते हैं इस सब्जी को। इस तरह से जो है वो कोल्हापुरी अक्खा मसूर बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमें गाढ़ा ही पसंद है और इसे मैं गर्मा गर्म बटर के साथ सर्व करने वाली हूँ। और फाइनली आज जो है मेरा व्लॉग जो है अपलोड हो गया। और शाम के अभी 5 बज चुके हैं और दोपहर को हमने खाना खाया, हमने बनाया आज अक्खा मसूर। और आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा ये अक्खा मसूर। और अक्खा मसूर की जो सब्ज़ी है हमारे यहाँ पे मतलब कोल्हापुर साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा।
और मेरा घर जो है इतना मेसी हो गया है क्योंकि मैं आप लोगों के कल के वीडियो में बिल्कुल आंसर नहीं दे पा रही थी, कमेंट्स नहीं दे पा रही थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज मैं बैठी, थोड़ा सा वीडियो जब अपलोडिंग हुआ तब मैंने देखा आप लोगों के मैसेजेस आए बहुत सारे, इतने दार 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 मैसेज आए, तो मैंने मैसेजेस आए तो उन सारे मैसेजेस का मैं आज रिप्लाई कर रही थी। और आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा का पूरा मैसे हो गया है क्योंकि मैं जब वीडियो आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी तब स्वामी श्री गणेश जो है घर जो है वो अपना मेरा घर जो है वो घर जो है वो पूरा ख़राब करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने ऐसा ही किया। एक्चुअली यहाँ का जो सोफ़ा था वो मैं ऊपर मतलब क्या होता है, स्वामी श्री गणेश ने पानी उसमें डाला था डाल दिया था, तो उसमें से बहुत गंदी तरीके से स्मेल आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि उसको मैं उस सोफ़े को मैं ऊपर लेके गई और हुआ ये कि बारिश बहुत ज़ोर से बारिश आई तो फिर से मुझे उसे नीचे लाना पड़ा और सुखाने के लिए, और इसकी वजह से इस सोफ़े को मैंने नीचे रख दिया है बस। और इस रूम को मैं थोड़ी देर के बाद क्लीन करूँगी क्योंकि अगर कोई गेस्ट आएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और फिर इसके बाद मेरी बेडरूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मेसी है तो उसे भी मैं क्लीन करने वाली हूँ। और अभी हम पी रहे हैं चाय, ये देखिए बिस्कुट को देख लीजिए। मैं क्या करूँ इन बच्चों का, इतना परेशान करते हैं मुझे। कलर और ये जो साड़ी है ये थोड़ा सा सुपर नेट वाली साड़ी है, और ये मैंने बहुत पुरानी साड़ी है, मुझे लगता है 3-4 साल पुरानी साड़ी है और ये बहुत ही सस्ती साड़ी है। मुझे लगता है मैंने इसे 400 या 500 ऐसे ही कुछ रेंज में परचेस किया था। और सुबह से लेके अभी तक मैं गई नहीं हूँ शॉप में, तो अभी 9 बज चुके हैं और अभी मैं जाऊँगी शॉप में। थोड़ा सा मैं देखती हूँ डांडिया का एक माहौल भी जो है हमारे यहाँ का वो दिखाती हूँ, अगर वहाँ पे डांडिया होंगी खेलना, क्योंकि कल हम गए थे तो कल रात बारिश आ गई थी तो इस वजह से मैं आपको डांडिया जो खेलते हैं हमारे यहाँ पे लोग तो वो नहीं दिखा पाई। तो चलिए अभी शॉप में चलते हैं, शॉप अभी हम बंद करने वाले हैं। और आयता ना, बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं डांडिया क्यों नहीं खेलती हूँ। एक्चुअली डांडिया इसलिए नहीं खेलती हूँ क्योंकि इस वक्त जो है मतलब नवरात्रि जब स्टार्ट होती है तो हमारे शॉप में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करती हूँ उस टाइम ज़्यादा हेल्प करती हूँ, और थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगता है ना खेलना, डांडिया खेलना इनको ज़्यादा अच्छा
अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, दो मिनट टाइम भी नहीं मिलता है। और मुझे इतना कुछ मतलब शादी से पहले मैं खेल रहा करती थी, बट अभी तो मतलब शादी के बाद मैंने एक बार भी नहीं खेला है, एक बार भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। और सावित्री, गणेशरी, गणेशरी, अच्छा सावित्री, अभी हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे डांडिया जैसे खेलते हैं, देवी के सामने ही मतलब कुछ लोग राउंड करके खेलते हैं। तो अगर अभी तो 9 बज चुके हैं, तो 10 बजे एक्चुअली वो राउंड स्टार्ट होता है, तो देखती हूँ मैं वहाँ पे स्टार्ट हुआ या नहीं। गुड़िया है, गुड़िया अच्छी अच्छी है, छाना है ना पान। और अभी रात के बज चुके हैं 11:15, और गणेश जो है वहाँ पे दूध पी रही है। और मैं जो अपना जो व्लॉग है वो ख़त्म कर रही हूँ, और व्लॉग जो है वो ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और मैंने आपको दिखाया कि हमारे यहाँ पे डांडिया किस तरह से खेली जाती है, और दूसरी जगह भी होती है जहाँ पे बहुत जो लेडीज़ लोग, लेडीज़ और जेंट्स लोग जो होते हैं फैंसी फैंसी ड्रेस पहनते हैं। हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे पासेस लगते हैं और हम खेलने वाले तो है नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं दिखाया मैंने आपको। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय एवरीवन।